नमस्कार, टेक्निकल एक्सवाइजेड में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि EWSDG के एडमिशन की सेकंड लिस्ट। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी, जून में, मई में आ रही है या जून में आ रही है, इससे रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कब इसकी जो सेकंड लिस्ट आ रही है, और अभिभावकों को बहुत सारी परेशानी हो रही होगी कि उनको बच्चों को एडमिशन करवाना है, वो दूसरे किसी में एडमिशन करवाएं या इसका वेट करें सेकंड लिस्ट का। तो मैं ये आपको पहले ही वेरी क्लियर कर देता हूँ कि इसमें अभी जो सेकंड लिस्ट आने वाली है वो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये जो सर्कुलर आया हुआ है EWSDG कैटेगरी के जो एडमिशन है उससे रिगार्डिंग, इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए, फोर्थ नंबर को पढ़िए, द सक्सेसफुल एप्लीकेंट सेल अप्रोच द स्कूल अलॉटेड थ्रू कंप्यूटराइज ड्रा ऑफ लोट्स और ऑन बिफोर 30 मई 2022 मंडे अप टू 1 PM ड्यूरिंग द स्कूल आवर्स अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये फर्स्ट लिस्ट का लेटर है, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी उसी का लेटर है। तो फर्स्ट लिस्ट वालों को यहाँ पे इन्होंने 30 मई तक का टाइम दे रखा है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 30 मई तक तो सेकंड लिस्ट आएगी नहीं, क्योंकि सेकंड लिस्ट तभी निकाली जाती है कि कुछ फर्स्ट लिस्ट में से बच्चे एडमिशन ड्रॉप कर देते हैं, कुछ सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए सेकेंड लिस्ट निकाली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया कि मई में कोई लिस्ट नहीं आने वाली है। कई यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था कि वो कुछ दिखा रहे हैं कि उन मई में लास्ट में आ रही है सेकंड लिस्ट, लेकिन आपको इससे आप क्लियरली समझ जाएंगे कि नहीं आ रही है मई लास्ट में, जून के बाद आएगी, जून में या जून के बाद, लेकिन वो जून के भी लगभग आधे के बाद ही आएगी, क्योंकि इसका कोई वो भरोसा नहीं है और भी लेट भी हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने कन्विंस के हिसाब से बच्चों का एडमिशन करवा दीजिए, उनके एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और दूसरा, यदि आपके आपके जो भी जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे यदि वैकेशंस, समर वैकेशन स्टार्ट हो गई है, तो फिर आप एडमिशन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसमें सियोरिटी नहीं है कि आपका सेकेंड लिस्ट में भी हो ही जाएगा। लेकिन सेकेंड लिस्ट में चांस इसलिए हैं क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसके KV के लिए भी अप्लाई कर रखा था और इसके लिए भी, तो बहुत से बच्चों का KV में एडमिशन हो गया है, तो वो ये वैकेंट रहेगी यहाँ पे उनकी सीट, तो वो यहाँ पे वैकेंट रहने के कारण जो सेकंड लिस्ट में बहुत से बच्चों को मौका मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये अपने रेडी रखना, क्योंकि वो जैसे ही आपको अपडेट मिल जाएगी इस चैनल के थ्रू, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा, जब भी आएगी हम आपको वीडियो अवेलेबल करवा देंगे कैसे चेक करना है, और सारा रिजल्ट भी चेक करके बता देंगे। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो दे रखे हैं ये अपना रेडी रखना, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी यदि सेकेंड लिस्ट में आपका नाम आता है तो। उसके बाद भी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने एक नंबर भी जारी कर रखा है जिस पे आप क्वेरी भी कर सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको नंबर भी, ये देखिए यहाँ पे जो फोर नंबर आपको दिख रहा है इसमें देखिए, फॉर एनी क्लेरिफिकेशन ग्रीवेंसीज इन कॉन्टेक्ट्स पेरेंट्स स्कूल में कॉन्टैक्ट ऑन द EWS हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर दे रखे हैं 2880355192 और दूसरा नंबर है 9818154069 वर्किंग आवर में, और आपको 10 बजे से 5 बजे के बीच में इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो रही है एडमिशन में तो भी आप पता कर सकते हैं, और कोई परेशानी है वो भी आप पता कर सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।